कभी कभी अनट्रूथफुल कर देते हैं, होता है ना कि मैंने देख लिया, तो इसलिए सफाई भी हो और सच्चाई भी हो। बात दादी हमेशा पूछती है, जानकी दादी, सच्चाई जरूरी, सफाई पहले या सच्चाई जरूरी? सच्चाई पहले। कुछ भी बात इवन हम दूसरों की सुन लेते हैं और उसने बताया कि नहीं, कुछ फायदा नहीं, आजकल सच्चाई का जमाना नहीं है, ये है, तो वो मेमोरीज, वो एक्सपीरियंसेस भी तो हमको ट्रुथफुल नहीं होने में मदद करते हैं ना। तो इसलिए बाबा का है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, 24:11, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। अच्छा प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? सच्चाई का। सच्चाई में भी कौन सी बात का ख्याल रखना? श्रीमत अकॉर्डिंग हो। सच से कनेक्टेड है, सच से कनेक्टेड है, सच्चाई सच्चे का बाप फल। के सच्चे रहना है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। दूसरा, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा का प्यार है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? आगे आगे ओम शांति जी। किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, घनपण मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर छिड़की, इनके ऊपर आकर छिड़की रंग रूप की माया। किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। ओम शांति जी। बहुत अच्छा है। कोमल कोमल पौधे, कितना एक्यूरेट गीत है। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती कहते तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देना वाला भी चाहिए। गीता जयंती, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। गीता जयंती मनाते, गांधी जयंती मनाते, तो इसका मतलब कोई जन्म देने वाला होगा तब जयंती मनाते। तो सब कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वो गीता सुना न सके। तो ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, यह है गुह्य बात। मतलब वो संवत के अकॉर्डिंग ना, संवत शुरू हो जाता है ना दिवाली से, तो उस हिसाब से फिर उनका चलता है ना।
गीता श्री कृष्ण का तो सितंबर में आता है, तो बाद में आता है वो, जो उनका संवत का जो महीना है उस हिसाब से, मुझे लगता है उस हिसाब से बाबा बोलते हैं। तो उसके बाद ही तो गीता है ना, द्वापर युग के हिसाब से तो ठीक है, मतलब ये तो वैसे बाबा कहते हैं। श्री कृष्ण जयंती पहले आती है, बाद में गीता जयंती आती है। श्री कृष्ण जयंती बाद में आती है, पहले गीता जयंती, वो उससे कनेक्ट द्वापर युग के अकॉर्डिंग नहीं है वो, तो फिर तो राइट ही है उसके हिसाब से। तो बाबा कहते हैं ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया। गीता, श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, तो स्वयं प्रिंस का पद पाया गीता द्वारा, राजयुग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकी ना त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते, त्रिलोकी ना त्रिकालदर्शी एक कोई कहेंगे, त्रिलोकी नाथ माना, तीनों लोकों का पर राज्य करते हैं, मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। त्रिलोकी तो इनको जानने वाला त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव है। सूक्ष्म वतन की भी कंस्ट्रक्शन की, टेम्पररी क्रिएशन की, स्थूल दुनिया का बाबा, त्रिलोकी तीनों का राज्य, चलो मूल वतन का राज्य है, सूक्ष्म वतन का चलो राज्य है, स्थूल वतन का राज्य बाबा है राजा। हमको राज्य दे रहा है ना, तो मतलब वैसे तो राजा ही है ना, क्रिएशन है, तो ये महिमा उनकी है ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है, 2-3 दिन पहले से, 3 दिन से चल रहा है बाबा का, श्री कृष्ण की महिमा है, श्री कृष्ण की महिमा। सोया कला संपूर्ण सुषमा हमारे बेन द्वापर में। बोलो बोलो, पूरी महिमा बोलो, बस हो गए, सतयुग के प्रिंस है पांच वो, फुल डिग्री है ना, क्या डिग्री है पांच सर? हाँ, डिग्री सोलह सबको पता है, कला संपूर्ण, संपूर्ण कला निर्विकारी, एक डिग्री बोलते हैं, 5 डिग्री जिसके, और आप एक अभी हम जो लोग चौरासी जन्म जनरल लेते हैं और संगम युग में भी लोग आते अभी हैं। मिलने गए ये CDS से ना, तो उसको हमने लिखा लेटर में लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि गूगल में था, उनका फोन आया, बोला आपने एक पद लोअर कर दिया, 1 डिग्री कम कर दी। श्री कृष्ण के लिए सिर्फ 1 डिग्री, 16 कला संपन्न, पूरी डिग्री सरो बताओ। हाँ जी सरो दीदी, दीदी, मैं बताऊं, सर्वगुण सोलह संपन्न, कला दीदी, सोलह कला संपन्न संपूर्ण में एंड बोलो संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण दीदी, संपन्न, मर्यादा सर्वगुण पुरुषोत्तम संपन्न, कोई पूरा नहीं बोल रहे, क्या एंड हुआ, बता बोले। दिया ना। हाँ हाँ इधर तक आवाज नहीं आई। हाँ जी, 5 डिग्री वो सर्वगुण तो सबको पता है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण थर्ड निर्विकारी, संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुष, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो। सीक्वेंस अहिंसा वाइज परमो बताओ, धर्म, ऐसे नहीं, अहिंसा परमो सीक्वेंस धर्म। वाइज ठीक है, ये सीक्वेंस है। उनकी भेंट करते चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य अलग है। वह गीता को जन्म देने वाला रचयिता, गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चिया भी तो सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया, कितना अच्छा टॉपिक है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है, भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव, उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण अपने यह पद पाया, सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया,
ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शीपने का ज्ञान मिलता है, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है, तीनों कालों आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है, और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन। ये अक्षर याद करने हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है दे अहंकार ने, दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का भगवान, गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है। गीता जयंती आई आ रही होगी उस समय, दिसंबर में आती है कि फ़रवरी में? फ़रवरी में आती है ना गीता जयंती, सितंबर मुझे में जहां आती है, दिसंबर तक लगा दिसंबर में। में, दिसंबर में माघ अच्छा, तो गीता महीने में जयंती आती आ है। रही है। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परम पिता, देखो ऐसे इतना बड़ा चैलेंज, कोई एग्जिस्टिंग फिलोसफी चल रही है, इतनी बड़ी मान्यता बनी हुई है, उसको उसके रचयिता को चैलेंज करना कौन कर सकता है? अभी ओआरसी में हो रहा है प्रोग्राम साधु संन्यासियों के साथ गीता के ऊपर, 8, 9, 10 दिसंबर को। तो हाँ, दिसंबर में होगा भी हमें। हाँ, वहां भी होता है, मतलब इतना बड़ा चैलेंज, और वो दिखाई भी नहीं देता है, हम बहने कर रही है, कैसे कर सकती है अगर देखा जाए तो इतना बड़ा। नहीं तो लोग तो लाठी उठा ले धर्म के नाम पे, कुछ भी इतना सा ऊपर नीचे करते हैं, बोलते हैं कोई, पर कितना अच्छा ज्ञान चल रहा है, सभी साधु संत एग्री कर रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सत्युग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। तो ये समझानी देनी पड़ती है, सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी, जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे? नहीं नहीं, कहेंगे दीदी, नहीं कहेंगे कहेंगे, नहीं कहेंगे। उसको नहीं कहेंगे क्योंकि रॉन्ग लिखी ना। अच्छा, कृष्ण के तो लिए हाँ, परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई है वह विश्व के मालिक बने। पहले ही लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह एकदम रॉन्ग है, और एग्री कर रहा है गीता का। जितना भी ये इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए वो मानते कि भगवान ने ये गीता सुनाई, और श्री कृष्ण ये से नहीं कह सकता, इस तरह से ही नहीं कह सकता, तो रॉन्ग भी होना ही है। ये बाबा कहते हैं एकदम रॉन्ग है, रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तब बाबा कहते हैं रॉन्ग भी जरूरी है। क्यों तब तो वो ऊपर से रॉन्ग आके होना करेक्ट जरूरी ज्ञान क्यों देगा, है? तभी परमात्मा तो उसको के आने राइट का किया रीजन, जाएगा, तभी सिद्ध कर पाएंगे ना तभी तो अगर राम उसको भगवान गाइड कह हम रूल पाएंगे आउट करते हैं ना हर चीज, तभी। टेस्टिंग करके, ये रूल आउट है, ये रूल आउट है, ये रूल आउट है। तो जब रॉन्ग सब रॉन्ग हो तभी तो बाप आकर राइट सुनाए क्लियर कर पाएंगे। हाँ कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते। इससे कई कई बातें सिर्फ गीता में ही है और कोई भी शास्त्र में नहीं है। कौन कौन सी बातें? काम महाशत्रु, काम क्रोध लोभ तीनों नरक के द्वार, और सब सब सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और
वो तो चलो वे योग वशिष्ठ में भी बोला है, वो सब ठीक है, उसमें भी बोला है मना भव मध्य मध्याजी यदा यदा ही धर्मस्य भव, मन मना भव तो बोला है, मध्याजी भव फोर्थ, यदा यदा ही इसमें जो मेन यदा यदा है कि यदा सबसे मैं ही इम्पोर्टेंट है, आता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये यदा यदा ही यदा धर्म। यदा ये वाला, और राज विद्या राजयोग ये सिर्फ गीता में बोला है, पवित्रम अति गुह्यतम, साधारण तन में आता हूँ साधारण। तो जिसने ये गीता लिखी, तो इसलिए बाबा कहते हैं जब सब शास्त्र रॉन्ग हो जाए तभी तो बाप आकर राइट सुनाए, बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते, इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत के साथ संग जो तुमको सत बनाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली है जगदम्बा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे, कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए, घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं, एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। अच्छा और कहाँ जाए सेवा पे, बड़े दिनों के बाद बाबा ने याद दिलाया, जाओ सेवा करो कहाँ, हाँ शमशान में भी जाना मन चाहिए, वहां मनुष्य को वैराग्य होता है, वहां तो कोई वैराग्य होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बोलते हैं शमशान वैराग होता होता है, है। बाहर तो माया में जाता है। बाबा कहते वहां भी जाओ, वहां बहुत आते हैं, परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे, तो शिव बाबा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े, लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी, वह गुप्त शिव भोलानाथ ना, भोलाना भोले बाबा शिव को जरूर कहते हैं, शिव बाबा जो रचेता है उनको मात पिता कैसे कहते, ये गुप्त बात कोई भी जान न सके, लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं, तो जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते ऐसे ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है, वह तो अविनाशी है ही, रचताक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है, अच्छा रचेता है परमात्मा, रचेता है, गॉड इज क्रिएटर, श्री कृष्ण इज क्रिएटर बोल सकते, थोड़ा उसमें भी क्लैरिटी चाहिए, उनको कराना है। अच्छा तो अगर रचता है तो कैसे रचे, अब इन्होंने परमात्मा के बारे में इतनी मैजिकल फीलिंग्स से वो उसको वो इम्प्रेशन बनाया हुआ है, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा, ऐसे किया सृष्टि रची, फिर वेदों में बोल दिया, वेदांत में एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहु रूप हो जाऊं, मुझे इस तरह का ख्याल आया, तो इसलिए फिर वो अनिर्वचनीय माया को क्रिएट किया, उसके थ्रू फिर ये संसार रचा। अब ये थोड़ा लॉजिकल नहीं फील होता है, तो संसार रचा उसके मतलब क्या हुआ, फिर प्रलय भी हुई, कितने सारे फिर कंसेप्ट्स में फिर से कंसेप्ट नहीं लागू होता है, तो एक बात को सत्य करने के लिए एक दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, ये हो जाता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं अगर वो रचता है तो किसके द्वारा रचा, पहले सत्व प्रधान, तो अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड, जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पति तमो प्रधान बन जाते, तब बाप तब मैं आता हूं, पहले सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आते हैं, अच्छा ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े, क्राइस्ट क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, तो ये क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा सकते हैं, नहीं, जो उसमें आत्मा होगी बोलो क्रॉस वो दुख पाएगी। पे चढ़ा सकते क्राइस्ट को, हाँ, नहीं तेरी चढ़ा बात बन सकते, क्या हो विभिन्न नहीं चढ़ा सकते। लॉजिक,
अभी तो बाबा ने कहा उस आत्मा का ऊपर से ऊपर अवतरण हुआ, से, ऊपर से अवतरण हुआ है, पहला पवित्र हाँ ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती, उन्होंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। वो तो एकदम नई आत्मा ही और लॉ है, रिलीजन को स्टार्ट करने के लिए नई आत्मा चाहिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आत्माएं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली आत्मा चाहिए। अब जैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए ना, तब ये स्टार्ट हुआ देवी देवता धर्म। तो ये धर्म को स्टार्ट करना है तो एकदम शक्तिशाली, मतलब परम धाम की जो सत्व प्रधान अवस्था है वो वाली आत्मा है। तो वो आत्माएं अगर आए, उसने कुछ गलत कर्म किया ही नहीं तो उसको दुख भोगना पड़े। तो क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस पे नहीं चढ़ाया, वो तो आई फिर चली जाती बाद में। जब क्रॉस पे चढ़ाया तो वो जिसकी एग्जिस्टिंग जो आत्मा है, नई आत्मा जो धर्म स्थापन करती है, उनको दुख मिल ही नहीं सकता क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। कर्मातीत अवस्था चाहिए धर्म स्थापन के लिए। लड़ाई में जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडे ले आ जाते, होता है ना पहले जमाने में। हाँ सफेद झंडे नहीं, मैसेंजर का भी होता है। हाँ कि भाई अगर बीच में लड़ाई चल रही है और बीच में आपको मैसेज देना है, तो वो सफेद वो वाला जो दोनों जिस पार्टी से भी गया, तो उस समय कोई उस मैसेंजर को हाथ नहीं लगा सकता, छिड़का नहीं, सब अपना हथियार स्टॉप कर देते हैं क्योंकि मैसेंजर आया। मतलब इतना ऑनर है मैसेंजर का। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों याद कराया बाबा ने? कि हम जो मैसेंजर लोग मैसेंजर होता है उसको कोई हैं, हर्ट नहीं कर सकता, उसको हमेशा उसकी सुरक्षा ही रखी जाती है, दुश्मन पार्टी भी उसको नहीं दंड देती हाँ है। नहीं वो मतलब अलर्ट, सब कोई भी हाथ नहीं, और सब अपना हथियार छोड़ के उसको जगह देते हैं। उस समय कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं जब मैसेंजर, तो जो भी मैसेंजर है उसको कोई क्रॉस पे चढ़ाएगा, ये बात कहना चाह रहे। सुना समझा विनोद भाई? आंसर क्या है? क्वेश्चन भी कुछ था नहीं क्वेश्चन था ही नहीं जो आंसर थे मतलब जो बाबा ने कहा कि मैसेंजर को इतना ऑनर मिलता है, तो क्या क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता दीदी, अगर वो मैसेंजर है, क्या उसको सूली पर चढ़ाया जा सकता है? फिजिकल द्वापर युग में तक भी ये था, कलयुग में भी ये था, तो फिर कैसे हो सकता? तो यही तो है कि यही कहना चाह रहे हैं कि मैसेंजर, नहीं, मैसेंजर की बात चल रही ना, क्राइस्ट की नहीं। हाँ तो मतलब ये था लड़ाई में जब, तो बाबा कहते उनको कोई तकलीफ नहीं देते, सफेद झंडी ले आते जिससे लोग समझ जाते कि ये मैसेज ले आया है। अच्छा क्लियर नहीं हुआ क्या बात? दीदी हम सब सिंपल मैसेंजर ही तो हैं, बाबा ये बताना चाहते बात हैं। है, लड़ाई में सफेद झंडी लेकर आते हैं, लड़ाई चल रही होती है, अगर सफेद झंडी वाला आ गया तो सब अपने हथियार रोक देते, ये देखा हुआ है हमने। तो कोई भी मैसेंजर को कोई तकलीफ नहीं मिल सकती है। क्राइस्ट परम धाम से आया, जब धर्म की स्थापना करी, तो क्राइस्ट की आत्मा को सूली पर जो क्रॉस वाला बताया, वो उस समय क्राइस्ट की आत्मा नहीं होती है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल होती है ना, दो आत्माएं आती है ना धर्म स्थापन के समय, एक नई आत्मा जो धर्म स्थापन करती है। चलो मेन बस पॉइंट ये दीदी बोलना था। रामचरितमानस में भी तो यही है ना कि हनुमान जी को तो उन्होंने ये ये कहा। था कि भाई उसको क्रॉस पे नहीं चढ़ा सकते, यही आंसर ये था दुख का। हाँ
हाँ हाँ दुख आत्मा ही, पर आत्मा होती है, दुख आत्मा ही भोगती है आत्मा। इसके बाद फिर बाद में क्लास के बाद, इससे भी अगर नहीं समझा तो क्लास के बाद, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है, ये किसने कहा? आत्मा दुख भोगती है, आत्मा सुख भोगती है, तो फिर आत्मा निर्लेप नहीं होगी। तो निर्लेप कहना, निर्लेप कोई लेप छेप नहीं आता है, ये रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान हुआ, ये भी एक अच्छा चैलेंज है। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए, लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं। अब ये देखो, अच्छा क्रिश्चियनिटी में ये क्लियर करो, कौन सी बात? कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, कितना अच्छा, मतलब खुशी की बात है ना उनकी। जीसस द पर क्राइस्ट दुख तो उसको, भोगा ना भाई आपको, कि आप जब जिंदे हो तब किया, तो वही ना, बोलने के लिए तो वही बोला जाएगा, डेड बॉडी को थोड़ी था। नकली कमी। तो ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए, लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको बता सकते हैं, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ, तो ऐसी बात सुनकर वंडर खाएंगे। और ये बहुत वंडर भी खाएंगे, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक्सेक्ट बन गया जो क्रिश्चियनिटी के वो कौन सा है, जरोहर। तो उन्होंने, मैंने शायद कभी बताया भी था, एक बार वो मिले थे हमको श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, हम बुकिंग कर रहे थे, तो बोला ये, मैंने कहा क्योंकि उनकी और डेट हमारी क्लैश हो रही थी, तो फिर मैंने पूछा उनको क्या है। हाँ नहीं, वो जो उसके फादर को मानते हैं, जीसस के फादर को मानते हैं, वो सेक्ट है, बहुत सारे हैं उसके क्रिश्चियनिटी में भी, जरो ऐसा ही कुछ है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने क्रॉस की फोटो को एक सिंबल बना लिया और उसको जैसे याद करते हैं। अब कोई भी ऐसी फोटो, कोई भी धर्म स्थापक की इस तरह की स्टेटस को कोई पूजा जाता है क्या? ऐसे तो इनका बहुत लॉजिकल है, उसको ही तो उन्होंने सिंबल बनाया, वो बहुत रॉन्ग है। मतलब कोई की इस तरह की स्टेज को एक अच्छा भी लगता है क्या पूजने के लिए, चाहे उसने दुख कितना भी उठाया हो? तो बाबा कहते फिर वो खुश हो जाएंगे, ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा है, ड्रामा को कई लोग समझते हैं परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी मिल रही है किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है ना, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर, यह है इम्प्योर। ब्रह्मा बाबा जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं ये बात को, जो समझ गए हैं, समझा अच्छी तरह से, जो समझ गए हैं वो फिर बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है, फिर वो बात कोई को जचती नहीं है, ठीरी नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, जो खुद विकारी होगा वो औरों को कैसे कहे कि काम महाशत्रु है, तो तीर लग ही नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर लेंगे, तो अब यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते, वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहां तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं, यही प्यार है।
बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है। बाप को खुश करना मतलब अभी जो बोला, पढ़कर सच्चाई। फिर औरों को पढ़ाओ। कौन कौन खुश करता है बाबा को? पढ़कर औरों को पढ़ाओ, और कुछ नहीं, अपने साथ वालों को ही थोड़ा सा पॉइंट सुनाओ, और कुछ नहीं तो घर में जाकर 4 पॉइंट ही सुना दो, नहीं तो दीवारों को ही सुना दो। अपने आप लोग सुनेंगे, बोला मुझे रिवाइज करना है। लोग बच्चे पढ़ते नहीं है, वो दीवारों को ही बोलते रहते हैं, हम भी पढ़ते तो कोई तो सुनेगा। फिर बोलते दीवारों को भी कान होता है, कोई ना कोई सुन लेगा। तो बाबा कहते पढ़कर पढ़ाओ तो बाबा को खुश करेंगे। तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में डैश। हाँ, तत्पर रहना है। बाप रहना। की यही सर्विस है। क्या सर्विस है बाबा की? कि अपने बाबा की सर्विस सुनो क्या है, अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबर वार है, राजधानी में भी नंबर वार होंगे, टीचर समझ जाते हैं, बाबा टीचर है ना, टीचर समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? बोलो रुचिरा बेन, क्या समझ जाते हैं? कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे यह पढ़ाना है। कि आज और थोड़ा आगे की बात है कि यह दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे, सुना? ये भी पता चला। बहुत सारे बाबा उसके मापदंड है। तीन बातें तो बाबा ने बोल ली थी, कितना नंबर लेंगे, सर्विस से समझ सकते कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते कि हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते, तो मम्मा बाबा जितनी सर्विस अगर नहीं करेंगे तो दास दासिया बनना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासिया बनाएंगे तो बच्चे स्टूडेंट हो, इस समय तुम बच्चे अगर दासिया बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। अभी सेवा लेंगे उतनी सेवा करेंगे नहीं, सेवा लेना लेकिन उतनी ज्यादा करना ना, तो दासी बनना पड़ेगा। यहां महारानी बनना मतलब दे अभिमान है, सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, तो ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च जन्म है जो एडॉप्टेड है, तो तुम ब्राह्मणों का ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की माता रूहानी बाप दादा को याद प्यार पिता नमस्ते, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, बाबा। माँ पिता शुक्रिया पहला बाबा। पॉइंट है कितना प्यार के सागर, बजे बस आता है? बित बित कर, बित बित करना मतलब जबरदस्ती की बातें करना। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। सच्चाई दूसरा है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है।
एक बाप के संग में रहना है, एक बाप के संग में रहना है, वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल बाप, निमित्त बहुत अच्छी बात वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं, वो कभी यह नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। देखो कितनी क्लैरिटी आज बाबा ने की है, किसी ने उसको भड़का दिया इसलिए ये मेरे लिए बोल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वह बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी। कितना बाबा निमित्त के प्रति जिम्मेवार है, बाबा कितना जिम्मेवार है। तो इसलिए अगर फर्स्ट अगर कोई निमित्त बोलता भी है तो ये संकल्प आना भी व्यर्थ संकल्प है कि इसने जरूर मेरे बारे में शिकायत लगाई होगी तो आज वो मुझे सेकंड, तो ये संकल्प आना। दूसरा, अगर वो फैसला दे भी देते हैं तो उसमें जिम्मेवार बाबा है, मतलब मैंने गलती नहीं की और मुझे ऐसे बोल दिया इस तरह से, या ये ठीक नहीं था लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहे जाओ वहां, तो अगर वो रॉन्ग भी है तो उसका जिम्मेवार आप पाप के भागी नहीं हो, आपने तो आज्ञा पालन की। तो ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, मतलब बाप उसके जिम्मेवार है, तो बाबा उसको चेंज करेगा हमारे लिए। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, लेकिन क्या नहीं पसंद है? ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। कभी कभी हम बहुत जैसे नहीं नहीं मैं थक गई, कुछ इतना सा कुछ किया, नहीं नहीं मैं थक गई, अब सेवा नहीं कर सकते, इसको भी क्या कहना है? आराम पसंद कहेंगे या रियली थकी है? होता है ना, मतलब जितना हो सके अपनी कैपेसिटी पूरी यूज करो, शरीर की, तन की, मन की, धन की, उसको कंजूसी नहीं करो। मम्मा के महावाक्य बाद में, उसके बाद अब एक इशारा करेंगे। मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख। अब यह जो हम कहते कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उनको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन था, उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे तो नहीं देवताओं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है क्योंकि ऐसे है ही नहीं। अमर लोक का मतलब ये थोड़ी, कितना चैलेंज है एक्चुअली। लोग सोचते मरते ही नहीं है, देवताएं थोड़ी मरते हैं। अमर लोक अर्थात ये कहना रॉन्ग है, उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी आत्माओं के जन्म देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं।
21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते। आज दबावा ने भी वो फिगर्स बताए ना, 8 जन्म, ये मम्मा भी इसे बता रही है। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते, 84 या 83, 8 12, 8 12, 21, 42, कितने हो गए? हाँ, ये क्लियर हो गया ना सबको? संगम का नया जन्म मतलब 84 हो गया। तो बाकी ये तो मनुष्य समझते हैं, अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? मतलब मनुष्य जानवर की योनि नहीं लेता है। अगर इसमें पॉसिबल नहीं होता दुख का भोगना, तो फिर जाके ऑल द वे जाए और जाकर जानवर की योनि भोगे। अब वो बाबा ने कई बार क्लियर किया है कि हाँ, मतलब क्या पता वो उसका 80 जो भी हो, जितने भी जन्म हो उसके, 84 से बियॉन्ड तो नहीं हो सकते। हमको इंडिविजुअल का तो पता नहीं है ना कि कितने इसने लिए, और कभी कभी वो एडवांस पार्टी की आत्मा हो सकती है, तो फिर मतलब वो उनका तो पार्ट बाद में भी चलेगा फिर तो, ऐसा भी। हाँ अब वो बाबा को पूछना होगा, ये मिस्ट्री है। हाँ मतलब अगर वो कहाँ उनका, अगर वो सेवा का पार्ट है तो फिर तो जमा जमा हो गई, वो तो फिर सेवा का पार्ट है, जमा होता रहेगा। जब तक सेवा का पार्ट है तब तक तो जमा ही हो, वो तो कोई है नहीं वैसे, एक्सेप्ट थर्ड थर्ड रथ, और तो कोई है नहीं। तो अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों के नॉलेज ही नहीं है, मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर मनुष्य जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनिया अवश्य है, योनिया है 84 लाख, मनुष्य 84 लाख में नहीं जाते। समझ में आया? आया समझ में भक्ति? हाँ सुमन बेन, राजू बेन, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी हाँ 84 लाख योनिया है, स्पीशीज है। हाँ तो वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, ये जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में लेता है आता है। क्लियर शरद भाई? न मनुष्य जानवर की योनि लेता, न जानवर मनुष्य की योनि लेता, स्पीशीज ही दोनों के अलग अलग है। मनुष्य को अपनी योनि में भोगना भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे जानवर को भी अपनी योनि में दुख सुख भोगना है, मगर उनमें यह बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है, उनों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनिया भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए, कौन से है उसमें, बोलो बोलो। अरे जो ये मतलब ये बात को और प्रूव करता है, इन बाबा की बात नहीं है। 84 लाख, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। बोलते हैं ना वो ये बात, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी, परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है
जैसे जानवरों का हाँ कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाए। डर के लिए ये कंसेप्ट बनाया ना तुमको सुअर, अष्टावक्र ने कहा तुम और मतलब जन्म जन्म में कुतिया होगी, उन लोग हंसने लगे अष्टावक्र के ऊपर। तो ऐसे डराने के लिए फिर वो आके डरती है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त सारे छोटा सा आज बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। परमात्मा दुआओं, परमात्मा आज्ञा है, न व्यर्थ सोचो बोलो न सुनो। कितनी कहते, कितनी बार या कितना ऐसे कंटेंट है जिसमें हम व्यर्थ देखते रहते हैं। तो क्या है, व्यर्थ सोचो भी नहीं, बोलो भी नहीं, देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं। हाँ, अब ये देखो क्या क्या चीजें हैं जो वेस्ट वाली है, चाहे फिर वो एड्स देखना हुआ, है ना, फिल्म देखना हुआ, कितनी सारी बातें, इधर उधर की बातें करना हुआ, तो ये आज्ञा का भी अवज्ञा किया तो दुआएं नहीं मिलेगी। जहां लगता है ना कि वेस्ट हो रहा है, उस समय एकदम न्यारा हो जाओ। भले अगर हम ग्रुप से निकल नहीं सकते, ठीक है, न्यारा तो हो सकते हैं ना। आप कंट्रीब्यूट मत करो उस संगठन में, वो भी आपकी, आप कर्म नहीं बना।